नमस्कार, बना जाओ चैनल आप सभी का स्वागत करता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ नई रेसिपी मिक्स सब्जी। ये सब्जियों का कॉम्बिनेशन है, कई सारी सब्जियां मिलाकर बनाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, एक अलग टेस्ट आता है इसका। तो आप भी बनाइए मिक्स सब्जी। बना जाओ चैनल पर सीखते हैं आज मिक्स सब्जी। उसके लिए सब्जी ली है गोभी, सेम और फ्रेंच बीन्स, मूली, गाजर, आलू, शिमला मिर्ची। इसमें शिमला मिर्ची जरूरी है और मूली भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। टमाटर, मटर और मसाले में प्याज को पतला और लंबा काटना है। मैंने दो बड़े प्याज लिए हैं और हरी मिर्ची बड़ी काटी है। लहसुन अदरक के 3-4 टुकड़े, इनका पेस्ट बनाएंगे। तो पहले पेस्ट बनाते हैं, उसके बाद सब्जी बनाना शुरू करेंगे। सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम गैस जलाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल। आप रिफाइंड खाते हो तो रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि सब्जी फ्राई करेंगे। इसमें तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और इसमें जीरा को थोड़ा भुनने देंगे। इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। इनको सेमी फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी करके निकाल सकते हैं लेकिन उसमें तेल ज़्यादा लगता है, इसलिए इनको सेमी फ्राई करेंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट इनको फ्राई कर लेंगे जिससे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। नहीं तो क्या, सब्जी में सही टेस्ट नहीं आएगा और बनने के बाद हलवा जैसी बन जाएंगी। मैंने इसमें एक बैंगन भी ऐड किया है, आपको नहीं बताया था, बैंगन भी डाला है। आप जो सब्जी खाते हो, आपको जो सब्जी पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। अब इसको मीडियम आंच पर चलाते हुए फ्राई करेंगे, सेमी फ्राई करेंगे इस तरह से चलाते हुए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। एक साथ कई सारी सब्जियों का स्वाद आता है। आप एक बार ज़रूर बनाएं। हमारे तरीके से बहुत ही जल्दी बनेगी और स्वादिष्ट भी बनेगी। अब इनको फ्राई होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब इनको चलाते हुए रहेंगे और इसमें 1 चम्मच अब नमक डाल देंगे जिससे ये थोड़ा गल भी जाएंगे और स्वाद भी आ जाएगा इसमें नमक का। ये शादी पार्टियों में भी बहुत बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी। इसको अभी 2-3 मिनट और फ्राई करेंगे जिससे ये थोड़ा गल भी जाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे जिससे इनका कलर भी अच्छा हो जाएगा। मटर को छोड़कर सभी सब्जियों को फ्राई करेंगे। मटर को लास्ट में डालेंगे, नहीं तो वो
सही नहीं लगेंगी, कीचड़ टाइप की हो जाती हैं, सॉफ्ट नहीं रहेंगी, तो उनको लास्ट में भूनेंगे। वो जल्दी गल जाती हैं इसलिए बाद में डालेंगे। रंग बिरंगी सब्जी लग रही है, देखो बहुत ही अच्छी लग रही है। अब एक दो मिनट और पकने देंगे, उसके बाद इसको एक बर्तन में निकालेंगे। सब्जी भुन चुकी है, थोड़ी सी गल भी गई है, अब इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। फ्राई करने से क्या है, ये गलती नहीं है, खड़ी खड़ी रहती है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह से आप लोग बनाइए, बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। सब्जी निकाल लेंगे एक बर्तन में, अब इसमें मसाले की तैयारी करेंगे। मसाले के लिए तेल डालेंगे थोड़ा सा, प्याज व्याज भुनने के लिए थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि फ्राई में भी गया है इसलिए थोड़ा तेल डालें, जिससे हमारी सब्जी में ज़्यादा तेल ना लगे। इतना डालें कि प्याज भुन जाए। तो अब उसको गरम होने देंगे तेल को। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी से राई दाना, चटकने देंगे। इससे तेल भी पता चल जाता है गरम हुआ कि नहीं, और सब्जी में भी इसका स्वाद आता है। राई चटक चुकी है, अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले, दो तेज़पात, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, सभी डाल देंगे खड़े मसाले। इनको भुनने देंगे। ये मसाले सब्जी में खुशबू देते रहते हैं, धीरे धीरे इनकी खुशबू आती रहती है। अब इसमें डालेंगे प्याज, जो लंबा काटा था पतला उसको डालेंगे, और एक हरी मिर्ची, इन लोगों को भून लेंगे इनको। प्याज को भुनने देंगे सुनहरा होने तक। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल एक चुटकी, जिससे ये जल्दी भुन जाए। प्याज को जल्दी भुनना है और गलाना है तो थोड़ा, एक चुटकी नमक ज़रूर डालें, इससे प्याज जल्दी भुनती है। प्याज को भुनने देंगे पहले हल्का सुनहरे होने तक, इसको भूनेंगे। प्याज थोड़ा भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी साथ में भुनने देंगे, ये भी भुन जाएगा प्याज के साथ साथ। आधा प्याज भुनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इनको भी भूनेंगे। प्याज भुन चुका है, अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी पाउडर आधी चम्मच, क्योंकि आधी चम्मच उसमें डाला था हमने, आधी चम्मच लाल मिर्ची, धनिया पाउडर दो चम्मच, इनको डालकर भूनेंगे। एक मिनट भूनेंगे इनको, उसके बाद इसमें कश्मीरी मिर्च एक चम्मच। अब इसमें टमाटर डालेंगे, जिससे इनको भी भूनेंगे, गल भी जाए। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए, और भुनेंगे, भुन भी जाएंगे, साथ में मसाला तैयार होगा। मसाला भुन रहा है, देखो तेल छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छे से मसाला भुना है। जब तक मसाला अच्छा नहीं भुनेगा आपकी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी,
इसलिए मसाला अच्छे से भूनें जब तक वो तेल ना छोड़ दे। ये इसकी पहचान होती है मसाला भुनने की। अब इसमें सब्जियां डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। सब्जी डालकर इनको मिला लेंगे। इस तरह से पूरा मसाला सब्जियों में मिल जाना चाहिए। इस तरह से पूरा मसाला मिलाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें मटर डालेंगे। लास्ट में मटर डालते हैं क्योंकि आजकल अच्छी मटर आ रही है, ताजी, तुरंत गल जाती है, इसलिए बाद में डालेंगे। मटर को मिला लेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे, आधी चम्मच नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक डालना है। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच गरम मसाला, सबको मिला देंगे अच्छे से और पकने देंगे इनको। अब इनको थोड़ा ढककर पकाएंगे जिससे हमारी सब्जियां अच्छे से गल जाएं। अब सब्जी को ढक देंगे, पानी नहीं डालेंगे, ड्राई बना रहे हैं इसलिए ढककर पकाएंगे इनको थोड़ी देर, पकने देंगे, इसको चला देंगे। वाओ क्या खुशबू आ रही है, क्या सब्जी बनी है, वाओ बहुत ही अच्छी सब्जी बनने वाली है ये। अब तो देखकर भूख बढ़ने लगी है। आप इसी तरह से बनाइए सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको नई नई रेसिपी मिलती रहेगी। अभी इसको फिर से ढक देंगे और पकने देंगे। जब तक सब्जी हमारी गल नहीं जाती तब तक पकाएंगे। सब्जी हमारी गल चुकी है, अब एक दो मिनट इसको और भून लेंगे खुला ही। अच्छे से भुनेंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। भुनी हुई सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। इसको आप पूड़ी के साथ, पराठे, रोटी, दाल चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करें और सब्जी ज़रूर बनाएं। अब इसमें धनिया पत्ती डाल देंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार है।